सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली गुड। सो आप लोग को वेलकम करता हूँ करशेंग से। तो दिस टाइम आई मीन करशेंग खड़े यहाँ पे, भाई साहब ड्रोन उड़ रहा है हमारा एकदम तगड़े। ओ हो मज़ा आ गया। और भाई है यहाँ पे ड्रोन मैन और एक और भाई है यहाँ पे, ठीक है। और आगे आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस आगे है पूरा करशेंग सिटी एंड इस तरफ कौन सा विलेज है, ये तुम्हारा सिंगल। आगे गए सिंगल विलेज और भाई साहब हम एकदम टॉप ऑफ द रूफ, हम यहाँ पे बैठ के ड्रोन वगैरह उड़ा रहे हैं, ब्लॉग वगैरह बना रहे हैं। ओ भाई साहब देखो कैसे ही जा रहा है वो, मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये बस स्टैंड है जहाँ पे हम खड़े हैं, एक बार आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारे देखो गाड़ियाँ हैं और अपना रफ्तार वहाँ पे, यहाँ पे है चाय वाय पीने के लिए जगह। तो एक चाय करशेंग का बस स्टैंड है और आगे है सेंट अल्फोंसेंस स्कूल है, ठीक है। नाम भी बहुत तगड़ा सा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोनाउंस करते हैं ना कोई तगड़ी चीज़ तो नहीं बोला जाता मेरे से। तो पर आगे का व्यू आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, भाई क्या अमेजिंग व्यू है। और यहाँ तक पहुँचने में ना भाई साहब हमें लगे एक घंटा से थोड़ा ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश है यहाँ पे। तो आगे वाला देखो, देख रहे हो। तो गाइस अब हम करते हैं एक चीज़, लेते हैं टाइम लैप्स और उस टाइम लैप्स को ना भाई साहब इंजॉय करना और लाइक एंड सब्सक्राइब भाई ठोके मारना, ऐसे तगड़ी ब्लॉग जो है ना अपने चैनल में आता रहेगा। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ हम जाएंगे, किस चीज़ का ब्लॉग बनेगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। एंडलेस राइड है मेरा ये, कब तक करूँगा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन भाई साहब जो ब्लॉग है ना इस ऑल इंडिया राइड में मैं कोना कोना अपने स्टेट का ब्लॉग बनाऊँगा वहाँ पर जाके, और जितना हो सके प्लांटेशन भी करूँगा। हम निकल रहे करशेंग से और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो आगे देखो बादल जो है ना पूरा लाल हो गया है। तो यहाँ पे बस स्टैंड में रुके थे हम और यहाँ से अच्छा खासा हमने फुटेज जो है कवर कर लिया। अभी रात में हम तो यहाँ से रात में निकल रहे हैं तो ऑलमोस्ट यहाँ से सिलीगुड़ी जो है वो 35-40 किलोमीटर है और रात में इसका जो लाइट परफॉर्मेंस है वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। एंड चलिए फिर सीधा थोड़ा नीचे चलते हैं और इसका जो लाइट का परफॉर्मेंस है अपने एप्रिलिया में जो भी लगा है SHG का, उसका परफॉर्मेंस आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। फिलहाल मेरे को थोड़ी ठंड लग रही है और गला भी बैठ रहा है क्योंकि भाई साहब लास्ट 2 दिन पहले मैं हो गया था, थोड़ा बीमार गला वाला बैठ गया था। तो अभी मैं वैसे तो एकदम ठीक हूँ, पूरा लाइट जला देता हूँ, रुको जला तो दिया और कितने चलो। अब नीचे वाला भी पीला होता ना तो पूरा होता, अभी येलो लाइट तो जलाया नहीं मैंने। तुम तो बंद ही कर दो, जरूरत नहीं पड़ेगी अब। दिख रहा है? अरे इतना लाइट बहुत है मेरे भाई अभी तो, बाप रे। तो गाइस अभी जो आगे से आएगा ना गाइस उनको कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कोई गाड़ी वगैरह आए तो मैं लाइट बंद कर दूंगा ताकि सबको विजिबल हो यार, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि लाइट बहुत तेज़ है, कसम से बोल रहा हूँ भाई साहब बहुत तेज़ लाइट है, ठीक है। आगे से गाड़ी आ रहा है, थोड़ा बंद कर देते हैं। भाई साहब मेरे मुंह में ना पूरा फॉग जम गया है, इतना लाइट ना हो तो भाई साहब इस रास्ते में चला नहीं सकते, गारंटी देता हूँ मैं, क्योंकि लाइट बहुत मायने रखते हैं ऐसे रोड में। और अभी तो पूरा विजिबल है, मेरे को तो पूरा दिख रहा है, अगर हाईवे में भी चलाता हूँ तो पूरा दिखता है और आगे वाले तो भाई साहब पूरा पास मांगता है कि भाई लाइट कम करो, लाइट कम करो। तो एक काम करते हैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ा भाई लोग के साथ बात भी करना है मेरे को। अरे कुछ दिखा ना मेरे को, हाँ
रोको ना पीछे थोड़ा सा। तो भाई साहब मैं थोड़ा खड़ा होकर भी दिखा देता हूँ आप लोग को कि लाइट कैसा दिख रहा है। तो ये रहा, देख रहे हो, कुछ दिख रहा है? साइड से दिखाता हूँ आपको, देख रहे हो? इसको बोलते हैं प्रॉपर टूरिंग सेटअप इन एप्रिलिया। यो मैन, यो यो हनी सिंह नाल दलजीत, हम घूमने निकले हैं दार्जिलिंग। करसेंग, सॉरी गलत बोल दिया। देखो ट्रेन के पटरी में फंस गया टायर। अरे यही दिक्कत है प्लेन टायर का। हाँ हो गया हो गया। वहाँ पे घुस गया, पैंट मरा गया। मेरे को पता था यहाँ पे घुसे कैसे, तो स्लो हो गया मैं। ये गिर गया क्या? नहीं गिरा नहीं, स्लो ही था। मेरे को लगा निकल जाएगा, वेट है थोड़ा सा। चलो बैठो ना। अरे हम गिरने थोड़ी देते मेरे भाई। अरे ये लोहे का है ना, चढ़ता नहीं है। एक बार दार्जिलिंग में भी ऐसा ही हुआ था। तो चलिए गाइस आप लोग एक बार मैं लाइट का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ कैसा लगा नज़ारा। ए भाई साहब बहुत ज़्यादा डाउन हिल है। अगर समझ ले ऐसे रास्ते में कभी ब्रेक फेल हो जाए बाइक वेक का, अगला तो पैर से रोकेगा ना। या ऐसा बाबा, अरे कहाँ घुसा दिया। मेरे को भी गलत अभी हम हैं तीन धारा रोड। हवन चीर सजा भी लगे बाजी चों जहर हाथ नहीं आंदा जट नहीं फड़ने दे इफ दे कट क्या सोली ना फला टिंकी अता वेच बूजे आमेंगी दे लौंदे ना दे अड़िये देखा ना की दिया तारे चड़े सरा। अचानक से ब्रेक लगाता है। या ब्रो व्हाट्स अप, क्या हो गया, इंजन खराब हो गया क्या, हुआ चल नहीं रहा गाड़ी, तेल खत्म होने वाला है। अरे कोई दिक्कत नहीं, डाउन हिल ही है। तो भाई साहब इसका हो गया तेल खत्म, ठीक है। दो ये पास वाला जो है ये ट्रेन का पटरी, टॉय ट्रेन खत्म हो गया भाई साहब। अब तो यार कुछ नहीं हो सकता, अब तो धक्का मारना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर डाउन हिल ही है और नीचे पेट्रोल पंप है, 2-3 किलोमीटर नीचे वहाँ पे डलवा लेंगे। 10-12 किलोमीटर डाउन हिल, तो वैसे भी डाउन हिल ही तो है सीधा नीचे तक, सोचना है ऊपर। वाह भाई वाह, कोई नहीं चल जाएगा, मैं अपने डिक्की में से अपने स्कूटर में से निकाल के दे दूँगा। अपने पास पाइप वाइप सारा पड़ा है, सारा सिस्टम साफ नहीं होता है। क्या हुआ?
चलो चलो चलो। तुमने मेरा ड्राइवर देखा है किधर? तुमने मेरा अभी देखा नहीं है। मैं इसको एडवेंचर एडवेंचर की तरह चलाता हूँ। ये सब रास्ता तो कुछ भी नहीं, मैं तो साइड साइड से ले जाता हूँ बैड स्पीड में, खड़ा हो गया अभी। ये सारा रास्ता तो पूरे जंप मार के जाता हूँ मैं। नेपाल में बहुत एक्साइटमेंट था, मैं तो आया तो उड़ा उड़ा के ले जा रहा था। बोल रहा था